बाबर ने सेंचुरी मार दी, मतलब बाबर ने आज 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग की, क्यों? जवाब मिल गया आपको? मैं मिड इनिंग में इसलिए बात नहीं कर रहा था, आज मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई अब बोलना क्यों भाई, रिजवान ने सेंचुरी मार दी, बाबर की ये हो गई, मतलब पाकिस्तान तो भाई अनस्टॉपेबल हो गया, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम बन गया। मैं चुप बैठा था क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये एक्सपोज होंगे और बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे, और न्यूजीलैंड ने आज इनको एक्सपोज एक बार फिर से किया है। ये जो रट्टा लगाया हुआ था ना कि नंबर वन बॉलिंग, ये प्लंबर वन बॉलिंग है, पाकिस्तान की घटिया बॉलिंग आज देखने को मिली है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच। मगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं क्रिकेट में, आप सब जानते हैं कि भाई खाने पीने में तो चल ही रहे थे, ऊपर से ये दुश्मन वाले जो इन्होंने लफ्ज़ दे दिया अपना ज़कात शरीफ ने कि भाई दुश्मन मुल्क, इसको लेकर हम वैसे ही इतने रो रहे हैं, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान टीम से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि आज वार्म अप गेम जीत कर अपने क्रिटिसाइज करने वालों को थोड़े से मुंह बंद कराएंगे, लेकिन नहीं भाई, इनको तो हमेशा तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, इनको मजा आता है कि कोई हमारी ले और बहुत अच्छे तरीके से ले। आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जिस तरीके से है, मतलब मेरे को पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे तरीके से ठोका यार, कौन 345 रन चेज कर दिया न्यूजीलैंड ने। मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं करूंगा कि उन्होंने 345 बनाए, क्यों? न्यूजीलैंड ने ये 343 ओवर के अंदर टारगेट चेज किया यार, 43 ओवर में उन्होंने, यानी कि अगर 400 भी बनाता ना पाकिस्तान तब भी खतरा था कि भाई एक मैच न्यूजीलैंड ही जीतेगा, कौन है थे मतलब मुझे बताओ, इतनी घटिया क्रिकेट वो भी पाकिस्तान की टीम से यार, शर्म आनी चाहिए कसम से। वो रचिन रविंद्रा एक ऑलराउंडर होके ओपनिंग पे आ रहा है, और हमारे कसम से हमारे इफ्तिखार चाचा कितने 7वें नंबर पे आ रहे हैं, हमारे इफ्तिखार चाचा जो कि वन डाउन पोजीशन के बैट्समैन हैं, वन डाउन पे वैसे बाबर आजम खुद हैं तो जाहिर सी बात है किसी और को तो जगह मिल नहीं सकती है, वन डाउन के पोजीशन के बैट्समैन को वो नंबर 7 पे भेज रहा है। ये है हमारा सेल्फिश कप्तान बाबर आजम, जितनी उसको अपनी कप्तानी और अपनी पोजीशन प्यारी है उतना उसको पाकिस्तान टीम से बिल्कुल प्यार नहीं है भाई। पाकिस्तान टीम के ये बंदा पूरे तरीके से लौड़े लगवा रहा है, लसन लगवा रहा है, क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम का अगर यही टीम वर्ल्ड कप में जाती है, मतलब अब पहुंच गई है, तो पाकिस्तान टीम टोटल 4 मैच पे जीत जाए वर्ल्ड कप के, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बाबर ने आज 80 रन मार दिए, अबे 80 रन कितने 84 बॉलों में, 100 से कम का स्ट्राइक रेट था ना, क्यों था 100 से कम का स्ट्राइक रेट, मुझे एक बात बताओ, रिजवान का 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, रचिन रविंद्र का 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, मतलब जो भी खिलाड़ी खेले हैं आज सबका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा का था, इसका क्यों था कम, मुझे एक बात बताओ। सिर्फ डीवॉन कॉनवे एक ऐसा बैट्समैन था जिसका स्ट्राइक रेट 0 था, क्योंकि भाई वो पहली बॉल पे आउट हो गया, उसके अलावा कौन सा ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर था जिसका स्ट्राइक रेट इतना, मतलब ये पाकिस्तान की कौन सी परफॉर्मेंस थी जो इस मैच में आप बोलोगे कि आज पाकिस्तान ने वाकई वार्म अप किया है, पाकिस्तान की बॉलिंग में धुलाई हुई, पाकिस्तान की बैटिंग में धुलाई हुई, पाकिस्तान ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने लगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि भाई इससे ज्यादा हमने घटिया इनिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी बॉलिंग में। बैटिंग में पाकिस्तान ने 345 बना लिया, उनको लग रहा था पता नहीं कौन सा कोई पहाड़ मूंदा कर दिया हम लोगों ने, कोई बहुत बड़ा टारगेट, ये तो अनब्रेकेबल है, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं भाई, न्यूजीलैंड ने बोला रुको सबर करो हम तुम्हारी लेंगे, और तुम बार बार अपने आप को कंपेयर करते हो इंडिया के साथ, कसम से इंडिया के, मैं बोलूंगा यहां पर क्रिकेट में, इंडिया के क्रिकेट में आप उनके आन के बराबर भी नहीं हो यार, आप क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो बार बार। इंडिया का यह बड़प्पन है कि आपको आपकी पसंद की पिचेस भी मिल रही हैं, आपको आपकी पसंद की कंडीशंस भी मिल रही हैं, आपको आपकी पसंद के ग्राउंड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन ये जो हरकत कर रहे हो ना आप लोग कि भाई हम तो वहां पर परफॉर्म करेंगे नहीं पाकिस्तान में, इंडिया में जाकर, क्यों नहीं करोगे भाई, कौन सा प्रेशर है? वो ज़कात शरीफ ने कह दिया ना कि भाई हमने इनको इतना पैसा दे दिया कि भाई कभी जिंदगी में किसी ने इतना पैसा नहीं दिया होगा, खुद सोचो कि भाई पाकिस्तान टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंडिया अच्छे तरीके से होस्ट भी कर रहा है, इंडिया में कोई परेशानी भी नहीं है, पैसा भी ठीक ठाक है, तो परफॉर्मेंस कहाँ है? ये टीम परफॉर्म नहीं करेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये बात आप मेरे लिख के रख लो कि पाकिस्तान की ये वाली टीम वर्ल्ड कप में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने वाली। पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अब न्यूजीलैंड जैसी टीम से भी हार का सामना करना पड़ेगा 345 करने के बाद। मतलब यार शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से क्या पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल फारिग हो गई? हसन अली को किस लिए आप टीम के अंदर लेकर आए थे? एक्सपीरियंस है, हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। अबे 125 की स्पीड से ऊपर की उसकी बॉल नहीं जा रही, बॉलिंग स्पीड उसकी बिल्कुल डेड हो गई है, बस अपनी यारी दोस्ती के लिए तुम उसको उठाकर टीम के अंदर ले आए। कसम से मैं हैरान हूं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और टीम सिलेक्शन के ऊपर कि भाई उसने बाबर आजम को कैसे बोल दिया कि भाई तुम अपनी पसंद की टीम लो, तुम जो खिलाड़ी चाहते हो वो खिलाओ, पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए एल पे। ये बिल्कुल ही बहुत
बहुत घटिया टीम सिलेक्शन थी पाकिस्तान की, इसमें सरासर गलती है बाबर आजम की कि भाई उसने बिल्कुल ऐसे कोई चूतियों को उसने टीम थमा दी कि भाई मैं बस यही टीम है, मेरे खिलाड़ी हैं, ये मेरे यार दोस्त हैं, इनको जो है आप खिलाना पड़ेगा वरना मैं नहीं खेलूंगा। भाई बाबर नहीं खेलते तो नहीं खेलता, कम से कम पाकिस्तान को तो बेहतरी हो सकती थी, पाकिस्तान तो अच्छा करता या नहीं करता? आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भाई आपकी नजर में अगर बाबर कप्तान ना होता या इस टीम में कौन सी ऐसी चेंजेस हो सकती है जिससे पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करे। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।